YouTube या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएगी जिसमें वो बताते हैं कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ, मगर इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो आप कितना भी सवेरे उठ जाओ आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। मेरा यकीन मानो, अगर तुम सुबह के 4 बजे भी उठ जाते हो और तुम्हें अपने टाइम को मैनेज करना नहीं आता है तो सुबह से शाम हो जाएगी और तुम्हारा सारा टाइम इधर उधर की फालतू कामों में वेस्ट हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए तुम्हें अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा। नंबर 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मान लो कि तुम सुबह 4 बजे उठ गए और अपने गोल को अचीव करने के लिए तुमने काम करना भी शुरू कर दिया, मगर अचानक तुम्हारे दोस्त का कॉल आता है और तुम्हारा दोस्त कहता है कि यार चलो आज पार्टी करते हैं। फिर तुम सोचने लगते हो कि पढ़ाई तो कल भी हो सकती है, आज तुम्हारे लिए दोस्तों के साथ पार्टी करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगले दिन तुम्हारे किसी और दोस्त का कॉल आ जाएगा या फिर तुम्हें कोई और काम याद आ जाएगा। तुम्हें इन सभी को अवॉइड करके अपने एम्बिशन पर फोकस करना होगा। नंबर 3, मेंटेन कंसिस्टेंसी। कभी कभी हम इतना एनर्जेटिक हो जाते हैं कि 2 दिनों का काम एक ही दिन में कर लेते हैं, मगर फिर अगले दिन हम इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उस काम को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम भले ही अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए 5 से 7 घंटे काम करो, मगर वो 5 से 7 घंटे तुम्हें उस काम को रोज देना होगा। और जब तुम इन सभी बातों को पूरी तरह से फॉलो कर लोगे तब तुम्हें सुबह सवेरे उठना भी बेनिफिशियल लगने लगेगा।